परिहास कर रहे हैं आप? संतान तो माँ का अभिन्न अंग होती है, एक माँ अपनी संतान का दान कैसे कर सकती? वैद्यराज, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर सकते हैं तो? हम इसे स्वस्थ करने के लिए ही आए, किंतु आपको अपना वचन निभाना होगा। मेरे पुत्र की दशा देख रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में एक माँ अपने पुत्र को स्वयं से दूर कैसे कर सकती है? पुत्र की कुशलता के लिए ही तो माँ सब कुछ करती है। शुल्क देने का वचन हमने अवश्य दिया था, आपको उपचार का जो शुल्क चाहिए ले लीजिए वैद्यराज जी। किंतु माता पिता की पीड़ा को समझिए, यदि आप हनुमान का उपचार कर सकते हैं तो यही कीजिए। वचन दिया है आपने, अब आज अपने ही वचन से विमुख हो रहे हैं। एक मां की विवशता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं आप? आप भी तो नारी है, एक माँ की पीड़ा समझ सकती है। समझाइए वैद्यराज जी को। बस, बहुत हो गया अपमान हमारा। वचन न निभाने का परिणाम अनर्थकारी भी हो सकता है। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपने पुत्र को स्वयं से दूर नहीं करूंगी। वचन देना ही नहीं चाहिए यदि आप वचन निभा ही नहीं सकती। परंतु मुझे जो निभाना है वो मैं निभा के ही रहूंगा। सर्वनाश कर दूंगा अयोध्या का, हाहाकार मचा दूंगा अयोध्या में। हाहाकार मचाने के लिए तत्पर है ये माल्यवान, आप आदेश दें लंकेश। रक्षवीरों आगे बढ़ो। रुक जाओ लंकेश, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुवर, अच्छा हुआ आप आ गए, विजय का आशीर्वाद दीजिए। लंकेश, तुम विजय की ओर नहीं विनाश की ओर जा रहे हो। विनाश अवश्य होगा गुरुदेव, परंतु आपके शिष्य रावण का नहीं, उस नर रूपी नारायण का। कदाचित तुम भूल रहे हो ऋषि अरण्य का श्राप, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि अयोध्या में पांव भी रखा तो श्राप के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। उचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु उस नर रूपी नारायण का अंत भी तो आवश्यक है। रावण, मैं दैत्य हूं, दानवों और राक्षसों का गुरु। इन सब की आशा भरी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है दशानंद, इसलिए तुम्हें कोई भी विवेकहीन कार्य करने से रोकना मेरा कर्तव्य है। आपका कथन सत्य है गुरुदेव, परंतु यदि तुम्हारे हाथों उस नारायण के अवतार की मृत्यु होगी तो वो अयोध्या में नहीं हो सकती।
यदि उसका वध करना है तो उसे विवश करना होगा कि वो लंका में आए। तुम्हारे हाथों उसकी मृत्यु लंका की भूमि पर ही हो सकती है और कहीं नहीं। यही विधि का विधान है लंकेश। सत्य कह रहे हैं आप गुरुदेव। मैं तो अभी से ही देख सकता हूं वो नर रूपी नारायण और उसका भाई मृत पड़े हुए हैं लंका की भूमि पर। मैंने स्वयं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दी है। ओम मग्नाय स्वाहा 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 स्वाहा। अब ज्येष्ठ महारानी कौशल्या है जिससे आगे की विधि आरंभ की जाए। आपको यज्ञ के लिए बुलाया जा रहा है ज्येष्ठ रानी जी। तुम मुझे कौशल्या या रानी जी ही कहा करो। ज्येष्ठ संबोधन में अपना पंसा नहीं लगता सुमित्रा, किंतु आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान मुझे आपका नाम लेने नहीं दे। तुम्हारे श्रद्धा भाव को मैं जानती हूँ सुमित्रा। कई अभी तक नहीं आई, यज्ञ आरंभ होने वाला है। आप पहुंचिए और यज्ञ विधि आरंभ कीजिए। मैं मंत्रा से कहकर रानी कई को यज्ञ के आरंभ होने की सूचना भेजूं। गुरु दूत तुम्हें तो मैंने अयोध्या भेजा था, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी नीरति यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने शपथ ली है जब तक यज्ञ चलेगा तब तक कोई भी सूर्यवंशी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को गुप्तचर, शुभ संकेत है ये तो। अब रावण से अयोध्या के सूर्यवंशियों और नरूपी नारायण को कोई भी नहीं बचा सकता। पिशाच राज, पिशाच राज को भेजूंगा मैं अयोध्या में यज्ञ का विधस्व करने के लिए, सूर्यवंशियों का वध करने के लिए, और फिर उस नर रूपी नारायण का अपहरण करके उसे यहां लंका में लाने के लिए।
नारायण अवतार की सूचना पाकर रावण ने अन्य बालकों का वध करना तो रुकवा दिया है, किंतु अब वो अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए अपने विशेष राक्षसों की सेना भेज रहा है। हाँ महेश्वर, अयोध्या में तो सबने निरुति यज्ञ के लिए निशस्त्र रहने की शपथ ग्रहण कर ली है, अब प्रभु श्री राम की रक्षा कौन करेगा? आप सबकी चिंता निरर्थक नहीं, इस स्थिति में प्रभु राम की रक्षा एकमात्र हनुमान ही कर सकता है। यही है मंथरा का। महारानी कैकई यज्ञ में कितने अतिथिगण उपस्थित होंगे, कुछ तो साज श्रृंगार कर लीजिए। हाँ रानी जी, ज्येष्ठ रानी जी ने ये वस्त्र और आभूषण भेजे हैं आपके लिए, आज के दिन के लिए ही तो उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए थे। इन्हें धारण करके आप बहुत सुंदर लगेंगी। सुंदर देखकर मैं क्या करूँ, मेरा राम वो तो उदास, और जब तक राम उदास है मेरा मन कैसे लगेगा साज श्रृंगार। किंतु महारानी कैकई इस प्रकार वहाँ महाराज के सामने पुराने वस्त्रों में। मैं ऐसी ही भली हूँ, सेविकाओं ये साज श्रृंगार का सामान तुम सब ले जाओ। किंतु मैं रानी जी को क्या उत्तर दूंगी? उन्हें उत्तर मैं दे दूँ, जाओ तुम सब। सुनना सबका करना मन का महारानी कैकई, आपसे बड़ी अभिनेत्री तो पूरे संसार में नहीं होगी। लगता है भरत मुनि से नाट्य शास्त्र का प्रशिक्षण लिया है आपने। मन का, तुम तो मेरे मन के मंत्र को भली भांति जानो, तभी तो मंत्रा नाम है तुम्हारा। वो तो ठीक है महारानी कैकई, किंतु तनिक सच सवर लेती, महाराज देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखिए जल दर्पण में आपका मुखड़ा कैसा लग रहा है। ठीक ही है तुम्हारा अनुमान। हमारे भलाई के लिए इस यज्ञ का रोकना आवश्यक है। उस यज्ञ स्थल पर जाकर ही हम ये उपाय ढूंढेंगे कि यज्ञ भंग कैसे किया गया। साथ मेरा अनुमान। अभी भी कामिनी कुरंग नैना विलासनी लग रही हूँ। मंत्रा, महाराज के लिए मेरी इतनी सुंदरता भी पर्याप्त। चले इस नई रीति का बड़ा पुण्य प्रताप मिलेगा। जीवन मार्ग निष्कंटक रहेगा। सूर्यदेव की भांति कीर्ति प्रकाश विस्तार पाएगा। सूर्यवंशी शिरोमणि कहलाएगा। यह यज्ञ राम के युवराज बनने में अत्यंत आवश्यक है। और यदि नी रीति यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ा और यह यज्ञ रुक गया तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएंगे।
बड़ी होने का कब तक लाभ उठाती रहेंगी ज्येष्ठ रानी जी? स्वाहा। कैसे बैठी है महाराज के साथ? सुनना सबका, करना मन का, मंत्र यही है मंत्रा का। आज वो ज्येष्ठ बनकर सबका लाभ उठा रही है, कल उनका पुत्र लाभ उठाएगा। भले ही कुछ पलों से ही सही, किंतु ज्येष्ठ तो वो है ही सबसे। कैसी बातें कर रही हो तुम मंत्रा, इतना मत सोचा करो। सुनना सबका, करना मन का, मंत्र यही है मंत्रा का। कोई मेरी बात सुनता नहीं, किंतु मंत्रा का मंत्र तो यही कहता है कि इस यज्ञ को रोकना ही होगा। सुनना सबका, कहना मन का। महारानी जी, अपने वचन का पालन कीजिए, जाने दीजिए हनुमान को हमारे। कैसे जाने दो, इसकी दशा तो देखिए। एक तो अबोध बालक, ऊपर से व्याधि से ग्रस्त, इसे तो इतना भी ज्ञान नहीं कि ये सदैव के लिए हमसे दूर जा रहा। वैद्यराज, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे तो नहीं के लिए हम भी अपने हनुमान के बिना नहीं रह पाए। बस आप सब अपराध कर रहे हैं वचन तोड़ने का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.